वेलकम टू द न्यू व्लॉग फ्रेंड्स। और आज की सुबह इतनी अच्छी हुई है और 50-50 है, अच्छी हुई भी है और नहीं भी। कुछ खास मतलब इतना अच्छा मौसम हो रहा था, फिर आज धूप निकल आई है, भी हो ही रहा है। अगर धूप हट जाए ना, गर्मी भी लग रही है, अब तो गर्मियाँ भी आ गई। तो यार पहली बात, पिछली वीडियो को इतना अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया है, तो यार हर वीडियो का ऐसी रिस्पॉन्स दो ताकि जल्दी से जल्दी हमारा इतना अच्छा दोगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा हमारा। और फिलहाल आपने थंबनेल तो देख लिया होगा कि अभी मैं कहाँ गया था और कहाँ जाने वाला हूँ। और अगर किसी ने नोटिस किया होगा ना, तो अगर नोटिस किया होगा तो सीधा व्लॉग 6 से व्लॉग 8 आ गया मेरा। इसलिए आ गया कि यार 7 जो था ना मेरा व्लॉग 7 जो था, मतलब इसके बीच का जो था, इतना अच्छा बन नहीं पाया। कुछ वीडियो एड ऑन कर दूंगा मैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। मैं चाह रहा था कुछ अच्छा करना, लेकिन वो बन नहीं पाया अच्छा। तो उसको तो मैंने एक कोने पर रखा हुआ है, अगर कहीं यूज़ हो सकता है तो उसको यूज़ ज़रूर करूँगा मैं, ऐसी वेस्ट तो जाने दूंगा नहीं मैं। तो यार बहुत मेहनत लगती है, आदमी वीडियो बंदा वीडियो बनाता है, हर चीज़ कलेक्ट करता है, बहुत मेहनत से होता है। आ क्या मौसम हो गया, धूप हट गई धूप हट गई धूप हट गई धूप हट गई, अब तो और मज़ा आएगा अगर ऐसा ही मौसम रहे तो यार बस धूप हट जाए मज़ा आ जाएगा। थोड़ी ठंडी हवाएं भी आती हैं धूप हटने के बाद। चलो ठीक है, भाई पोपट नंबर 1 और पोपट नंबर 2, दो पोपट हुए हैं आज पूरे दिन में। पोपट नंबर 1 तो ये था कि यार आज मैं बाइक से जाने का प्लान था, बाइक हो गई रास्ते में ख़राब, वापस रेंगता बाइक को घर तक लेकर आया। उसके बाद पोपट नंबर 2 जो हुआ है, पुलिस स्टेशन गया था लाइसेंस लेने के लिए, लाइसेंस मिला ही नहीं। आज सैटरडे था तो भाई सैटरडे के चक्कर में हाफ डे होता है गवर्नमेंट, तो भाई दूसरा हुआ यहाँ पोपट। अब बाकी जाके देखो क्या होता है, बस ये है मौसम अच्छा हो गया इस वक्त। तो विकासपुरी थाने में आया हुआ था, अच्छा खासा घर में बैठा हुआ था, 2 बजे आया था तो काम हो जाता मेरा। तो भाई इस वक्त तो बहुत तेज़ भूख लग रही है और इस वक्त मैं सोच रहा हूँ कि कुछ खा लिया जाए। विकासपुरी में सबसे बढ़िया होटल है जिसमें डोसा मिलता है, वो डोसे पर जाऊँगा, बढ़िया साउथ इंडियन डोसा है, थोड़ी पेट पूजा की जाए। पूरे दिन से बहुत हल्का फुल्का खाया है। डोसा तो बहुत ही अच्छा था और जैसा कि डोसा दिखने में भी बढ़िया था, बढ़िया खाने में भी था। तो भाई जो लाइसेंस की बात थी, लाइसेंस मुझे मिलेगा मंडे को, क्योंकि आज तो हाफ डे था। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, अब लाइसेंस भी मेरा जिस वजह से गया था, क्योंकि हेलमेट की वजह से गया था, हेलमेट लगा नहीं रखा था मैंने, तो अब जाके दोबारा मंडे को जाना पड़ेगा, उसके बाद लाइसेंस मिलेगा। तो यार मेरे को तो लग रहा है व्लॉग एंड करना पड़ेगा यहीं पे, बारिश हो रही है बहुत तेज़ और इकलौता फ़ोन है जिससे व्लॉग बनता है, तो मैं ये रिस्क ले नहीं सकता। के बारिश रुकी है और इतनी देर से 2 घंटे मेरे को जनकपुरी में लग गए। तो यार जो मोटिवेशन की बात मैं दिन में कर रहा था ना, तो वो मोटिवेशन की बात ये कहना चाह रहा था मैं कि हर बंदे के अंदर देखो एक ना एक टैलेंट होता है, जो कि मैं हर बार बताता हूँ, लेकिन एक होता है इंस्पिरेशन कि बंदा किस चीज़ से इंस्पायर है या उसको क्या करने का मन करता है और क्या चीज़ ऐसी है जिसको करने से उसको अच्छा लगता है मज़ा आता है। तो भाई मैं कई बार क्या होता है मेरे साथ कि मैं व्लॉग बनाने में कभी कभार तो शर्माता था और पब्लिक में भी इतना ज़्यादा बोल नहीं पाता था, तो अब थोड़ा बहुत देखो बोल भी लेता हूँ। और जब भी मेरे को आलस आता है या कुछ भी मन करता है, नहीं यार आज व्लॉग बढ़िया नहीं लग रहा है या फिर व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा, मैं सीधा फ्लाइंग फिश देखता हूँ। और भाई साहब फ्लाइंग फिश देखने के बाद ना जो एनर्जी मिलती है ना,
अंदर से इतना मोटिवेशन उमड़ उबर के उबल उबल के बाहर आता, उबल उबल के। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं फ्लाइंग बीस्ट ही देखता हूँ, और भी यूट्यूब चैनल देखता हूँ, लेकिन मेन मेरा फ्लाइंग बीस्ट है, जिसको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यार फ्लाइंग बीस्ट देखकर एक मोटिवेशन ही है वो हमारे लिए, जो इतनी अच्छी जल्दी उन्होंने तरक्की करी है ना, तो वो हमारे लिए मोटिवेशन ही है। जो भी है ठीक है, सबकी अपनी अपनी किस्मत है, लेकिन मेहनत करना मत छोड़ो, मेहनत करना, हर चीज़ में मेहनत करो, जिस चीज़ में आपका मन करता है उस चीज़ को करो, डेडिकेशन से करो। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा एक ही काम को लेकर के बैठा रहेगा कि ज़िंदगी में बस एक ही काम करना है। भाई जो मन कर रहा है उस चीज़ में काम करो, और तो बस यार समझ जाओ मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ठीक है।